हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड साइज, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्यूशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करके कि जब हम किसी आयरन कंपाउंड की बात करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसी एनर्जी का नाम होता है सॉल्यूशन एनर्जी। जैसे हम बात करते हैं कि वेन एवर एनी कंपाउंड जनरली आयोनिक और पोलर कोवेलेंट इज डिजॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट और इन वाटर, वाटर क्या चाहिए, एक पोलर सॉल्वेंट है, देन ए डिफरेंट आयन ऑफ कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड, यानी जो डिफरेंट आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड विल गेट सराउंडेड बाय पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए एनर्जी रिलीज, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्यूशन एनर्जी। जैसे मान लीजिएगा अपन लेते हैं एक कोई भी कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए हमने एक NaCl की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं। जब इस NaCl की हम बात करते हैं तो यहाँ इसमें ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में। अब Na प्लस की बात की और इधर हमने बात की Cl माइनस की। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि एक आप कैटायन है और एक क्या है, एनायन है। अब इनके बीच में भी तो एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम होता है क्या चीज, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं ये आयन है, ठीक है ना, आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे Na प्लस की बात करते हैं, तो अब ये अपन इस तरह से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस, इधर प्लस, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। और इधर हम बात करेंगे तो ये आपको क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से हम बात कर सकते हैं माइनस और प्लस। तो अब जब ये अट्रैक्शन हुआ यानी कॉन्टैक्ट हुआ तो यहाँ से क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी जो रिलीज एनर्जी होगी, उसी रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये केमिस्ट्री में देखा जाए तो मेडिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी नीट का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है हाइड्रेशन एनर्जी। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं कि सोडियम, अलग अलग भी देख सकते हैं, Na प्लस लिया, अब ये Na प्लस है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इस तरह से इससे सराउंडेड हो जाएंगे, इस पर माइनस रहेगा, इस पर प्लस रहेगा, इस तरह से H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट इससे हो जाएगा सोडियम से, यानी कि जो आपका कैटायन एनायन के पास की बात करें, तो जब कैटायन यानी दिस पर कैटायन और दिस पर एनायन, यानी कैटायन एनायन के पास आने पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और उसी एनर्जी का नाम क्या देते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी, जैसा हमने अभी बताया था आपको। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी देख सकते हैं कि आपका सी एल माइनस है और यहाँ पर जो वाटर आएगा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये कनेक्ट होगा क्योंकि सी एल पे माइनस चार्ज है, इस पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, डेल माइनस होगा, तो ये अट्रैक्शन होगा। तो वेन पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटायन एनायन जैसे जैसे अप्रोचेज टू ईच अदर यानी पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और उसी एनर्जी का नाम क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और आपने देखा बिटवीन आयंस, यानी कि जैसे आपने देखा यानी सोडियम और Cl- माइनस की बात करें, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लैटिस एनर्जी का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो और भी एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज जैसे मान लीजिएगा Li प्लस की बात करते हैं, Li प्लस की बात करते हैं इस गैसेस स्टेट में, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, पानी में डिजॉल्व किया, तो ये क्या होगा Li प्लस, यानी क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, और यहाँ से 520 किलो जूल पर मोल की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसी तरह से Na प्लस की बात कर लेते हैं, ऐसे स्टेट में पानी में डिजॉल्व किया तो ये क्या बन गया आपका,
एंड एक्वस, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई 406 किलो जूल पर मोल। याद करने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ आपको ऐसी, ठीक है। के प्लस वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका के प्लस एक्वस, और इधर जो एनर्जी होगी 320 किलो जूल पर मोल, यानी कि गैस में बात कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, रूबिडियम की बात कर लें पूरा H2O, यहाँ से रिलीज हुआ तो क्या बन जाएगा रूबिडियम प्लस एक्वस, और यहाँ से जो एनर्जी होती है 296 किलो जूल पर मोल की अप्रॉक्सिम होती है। इधर आपका सीजियम ले लेते हैं, सीजियम की बात करते हैं, पानी में डिजॉल्व किया क्या बना सीजियम एक्वस बना, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी करीब 264 किलो जूल पर मोल की अप्रॉक्स रिलीज होगी। अब आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप, ध्यान दीजिएगा डाउन द ग्रुप की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 520 और ये आपका 264। इसी तरह से अब मान लो हम बात करें तो अब एनर्जी जब रिलीज हो रही तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, यानी हाइड्रेशन जो है, देखो हाइड्रेशन और हाइड्रेशन बोथ आर डिफरेंट, वेन ए कैटाइन और एनाइन कंबाइंड विद वाटर दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रेशन और सॉल्यूशन, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्यूशन। तो हाइड्रेशन प्रोसेस कैसी हो गई यहाँ पर, हाइड्रेशन प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी रिलीज होना, तो एनर्जी इस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि स्मॉल साइज आयन, ध्यान दीजिएगा स्मॉल साइज आयन, आयन का साइज क्या होगा स्मॉल, तो जितना आयन छोटा होगा ध्यान दीजिएगा तो जो इसका इफेक्टिव चार्ज होगा, क्या चीज इफेक्टिव चार्ज उतना क्या होगा ज्यादा, साइज स्मॉल इफेक्टिव चार्ज ज्यादा, जब इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मोर H2 मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स वाटर के अट्रैक्टेड, जब ज्यादा नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे तो उसी को बोलते हैं मोर हाइड्रेटेड, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी ज्यादा होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। अब जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज ध्यान दीजिएगा हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें वो क्या होगा मोर होगा, बस ये चीज ध्यान रखो, जितना स्मॉल साइज ऑफ आयन होगा हाइड्रेटेड साइज क्या होगा उसका ज्यादा होगा, तो यानी कि हम साइज की बात करें स्मॉल साइज ध्यान दीजिए स्मॉल साइज यानी आयन रेडियस की बात कर सकते हो, हाइड्रेटेड साइज क्या होगा उतना ज्यादा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिथियम की बात की, किसकी बात की लिथियम प्लस, ठीक है, और इधर हमने बात कर ली किसकी सोडियम की बात कर ली Na प्लस की। अब आप जानते हैं कि लिथियम और सोडियम में यानी कि आयनिक रेडियस की बात करें यानी आयनिक साइज की अगर बात करते हैं तो आयनिक साइज किसका ज़्यादा हो गया Li प्लस का, सॉरी Li प्लस और सोडियम प्लस में आयनिक रेडियस की बात करें तो सोडियम प्लस का ज़्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप पढ़ते हैं तो साइज क्या होता है बढ़ता है, लेकिन हमने क्या कहा स्मॉल साइज यानी स्मॉल साइज इन दोनों में किसका हुआ इसका, तो हाइड्रेटेड साइज किसका ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तो हाइड्रेटेड साइज की अगर बात करें हाइड्रेटेड साइज बोले या फिर हम क्या बोले एक्वा साइज की बात करें तो किसका होगा Li प्लस का ज़्यादा होगा Na प्लस का कम होगा, ठीक है। अब जैसे Li प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो H2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे कंपेयर टू सोडियम, यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है H2O की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर मोर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हम सोडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर तो कनेक्टेड होंगे
लेकिन कंपेयर टू सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, OH2 यानी H2O की बात कर रहे हैं यहाँ पर, OH2। ठीक है ना, OH2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा समय निकले ध्यान रखिए, O नहीं कनेक्टेड होगा यहाँ पे, क्या कनेक्टेड होगा, H2 दिखाया जरूर है हमने, लेकिन H कनेक्टेड हो, सॉरी O कनेक्टेड होगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या होगा, O कनेक्टेड होगा, क्योंकि सोडियम में O है। अभी बताया था आपको कि कैटायन एनायन सेम चार्जेस हो नहीं सकते, रिपेल हो जाएंगे, तो इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज, ये अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इन दोनों के दौरान, तो उसी एनर्जी का नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्यूशन एनर्जी। तो हाइड्रेटेड साइज की बात करें, अब मान लो सपोज कि जैसे हमने कहा, अब मान लो Mg2+ की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं Mg2+। अब Mg2+ की अगर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी Mg2+ की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अट्रैक्टेड होंगे Mg के पास, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स Mg2+। ठीक है, अब Mg2+ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब देखो लिथियम सोडियम, इधर आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर 2+, इधर भी 2+, इधर आपका प्लस, इधर प्लस। अब लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो साइज क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है। ऑलरेडी आप जानते हैं डाउन ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, कम होता है। लेकिन हाइड्रेटेड क्या, इन दोनों की बात करेंगे, अब इन दोनों में अगर बात करें हाइड्रेटेड साइज, ध्यान दीजिएगा हाइड्रेटेड साइज, अब इन दोनों में हाइड्रेटेड साइज की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, ऑलरेडी आपको पता है Mg2+ का क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू Na+। ठीक है, इस तरह से क्यों, क्योंकि अभी बताया था आपको क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होगी। तो इफेक्टिव चार्ज किस पे ज़्यादा है, सोडियम पोल मैग्नीशियम में Mg2+ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो Mg2+ पे जो हाइड्रेटेड साइज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स पे, जैसे हाइड्रेशन क्या होता है, अभी बताया था आपको। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन का, इट इज अ प्रोसेस इन विच आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज नॉन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात करें या फिर हम पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, इज नॉन एज सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर देन दिस एनर्जी इज नॉन एज हाइड्रेशन। जैसे मान लीजिए हमने बात किया सोडियम की बात की, तो सोडियम के पास क्या कनेक्टेड होगा, H2 मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे। अब H2 मॉलिक्यूल्स हमने बताया था आपको, जैसे मान लो H है, अभी दिखाया था वही चीज़ सेम बार बार आ रही है। H2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं इस तरह से, आप दिखा सकते हैं एक दो। ठीक है, तो ये जो इस पर क्या होगा, डायपोल्स माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, इस पर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्शन हो जाएगा, और जो अट्रैक्शन हुआ इसी चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं, वो प्रोसेस का जो नाम देते हैं वो क्या होता है, हाइड्रेशन। अब इससे जो अट्रैक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी एनर्जी का नाम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं H O और H, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर यहाँ पर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस और हाइड्रेशन एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पर होती है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़ है, साइज। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी चार्ज की बात करते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q+ इनटू Q-, मतलब प्लस और माइनस की बात करें मैग्नीट्यूड से बात करते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो ये साइज के बारे में बात कर देता है, कैटायन की बात कर सकता है या फिर एनायन के बारे में भी बात कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी आपका डिपेंड करेगा किस पे, चार्ज अपॉन साइज पर, यानी इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते थे Q/R। तो अब इसको कुछ एग्जांपल्स की बात की, जैसे कि कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी, पहला पॉइंट हमारा क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम की बात करते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन की बात करें, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो एडिशनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो ये भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब चार्ज की बात की जा रही है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा एडिशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इस तरह से ये एल्यूमिनियम 3 प्लस की ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद एनजी 2 प्लस देन सोडियम प्लस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और ये हमने बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसी, हाइड्रेशन की बात करें कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मोर द चार्ज डेंसिटी, मोर इज द हाइड्रेशन, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, हमें बताया था स्टार्टिंग में ही, मोर द चार्ज ऑन आयन मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। आयनिक मोबिलिटी की बात करें या फिर हम कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी एक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी की बात करें, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं ये, हाइड्रेशन एनर्जी यानी हाइड्रेटेड साइज की बात की भी बात करें, तो हाइड्रेटेड साइज की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स की बात की है, मोबिलिटी ऑफ आयंस यानी कि आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात करता है, क्योंकि आयंस है ये, तो Li प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आप खुद ही देखिएगा कि आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें, तो जो आयनिक साइज की बात कर रहा है तो क्या होगा भाई, साइज की बात करेगा तो क्या होगा, ये आयनिक मोबिलिटी की बात करेगा तो क्या होगा, आप ही बताइए ना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप की बात करेगा, ये क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या बताया, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात की, और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्यू अपॉन आर, है ना, तो चार तो सेम है, अब बच्चा आर के बारे में बात करेगा, आर की बात करेगा, तो आर आर ज़्यादा हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, कम हुई, हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, ध्यान दीजिएगा, इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इस तरह से यहाँ पर हम बात करें, अब ये एन ए प्लस, एन जी टू प्लस और एल थ्री प्लस की बात करते हैं, अभी आपने वेबसाइट में क्वेश्चन देखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज क्या बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज ज़्यादा हुआ यानी चार्ज इस पर ज़्यादा हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो कंडक्टिविटी या मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब मोबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना होगा क्या कि कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, साइज कौन सा, हाइड्रेटेड साइज की बात करते हैं। पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, डायरेक्टली कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी पोलरिटी बढ़ेगी तो डायरेक्टली कांस्टेंट बढ़ेगा, और डायरेक्टली कांस्टेंट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी बढ़ेगी। जैसे वाटर की बात करें, वाटर जो होता है वो डायरेक्टली कांस्टेंट उसका 81 के अप्रॉक्सिमेट होता है, तो वो डायपोल पोलर भी होता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी माना जाता है। और इस जैसे बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और उसका जो डायरेक्टली कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है। एक होता है हाइड्रेशन नंबर, अब हाइड्रेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, इट इज़ अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट्स टू ए पार्टिकुलर आयन वेन इट इज हाइड्रेटेड। जैसे सोडियम प्लस को हमने एस टू मॉलिक्यूल से डिजॉल्व किया, तो ये बना एक्स क्या चीज़ है यहाँ पर, हाइड्रेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस। इसी तरह से सी एल माइनस को कंबाइन किया वाटर के साथ, वाई नंबर ऑफ एस टू मॉलिक्यूल्स के साथ, देन वाई क्या है, हाइड्रेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस। द हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस या फिर हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर आयन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स की बात करें, एल आई प्लस, पहला एग्जांपल है आपका एल आई प्लस, फिर सोडियम प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। अब जब एक्वस लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक्वस की बात की है यहाँ पर, तो है ना, एक्वस की बात की है तो कौन सी साइज की बात की जा रही है यहाँ पर, एक्वस की बात की जा रही है यानी हाइड्रेटेड साइज की बात की जा रही है। ये मान लो सपोज ये हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एल आई प्लस एक्वस ना लिख के गैसियस लिख देते, एल आई प्लस गैसियस, सोडियम प्लस गैसियस, है ना, इसी तरह से के प्लस गैसियस और आपका रुबिडियम प्लस गैसियस और सी जी प्लस गैसियस। तो आयनिक साइज की बात की जाती तो ये हो जाता आपका, आयनिक साइज की बात करें यानी आयनिक साइज की बात करता है यहाँ पर
तो ये ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, किसकी साइज, हाइड्रेटेड साइज की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेटेड साइज। और अभी आपने पढ़ाई है हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियस किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका हाइड्रेटेड की बात करें तो हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि स्टार्टिंग बताया था स्मॉल साइज होगा, इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रेट साइज क्या होगा, मोर होगा, यानी कि मोर हाइड्रेटेड साइज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने बात की है, तो Li+ का स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज होने की वजह से मोर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Li+ देन मोर हाइड्रेटेड साइज। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्या सिमिलर में दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर कि Be2+ Mg2+ यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयन साइज बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रेटेड साइज की बात की गई तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से हाइड्रेटेड साइज की बात करें। इसी तरह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयन साइज बढ़ेगा, बट एक्वा साइज की बात करें हाइड्रेटेड साइज की बात करें तो ये आपका ऑर्डर ही हो जाएगा। इसी तरह से Fe2+ और Fe3+ की बात करें, यहाँ पर चार्ज डोमिनेट हो रहा है, यहाँ पर 3 चार्ज है, यहाँ पर 2 चार्ज है, तो जितना ज़्यादा चार्ज है उतना क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, यानी कि Fe2+ की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मालूम हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान दीजिए मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर हम हाइड्रेटेड साइज की बात की थी यहाँ पर, और इसमें बात कर रहे हैं किसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन, क्या होता है आपको मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो सिंपल सी बात है मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी स्मॉल साइज होगा, और आपको पता है स्मॉल साइज किसका है H+ का। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से, कहता है कि लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा हाइड्रेटेड साइज की बात कर रहा है, तो हाइड्रेटेड साइज किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज का ज़्यादा होगा जिसका साइज क्या होगा कम होगा। अब देखिए आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से Li और इधर आपका Na+, इधर आपका Be2+, स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल एक समझाया था ये Mg2+। अब देखो लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक साइज क्या होता है बढ़ता है, सॉरी कम होता है, आयनिक साइज क्या होता है कम होता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में आयनिक साइज की बात करें तो सोडियम का क्या होगा ज़्यादा होगा, और साइज किसका कम होगा Mg2+ का, साइज कम होगा, ध्यान दीजिएगा साइज कम होगी। लेकिन हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो इस तरह से आप देखे जाए यहाँ पर तो चार्ज डोमिनेट भी कर सकते हो, तो लार्जेस्ट साइज किसका हुआ Be2+ का, क्योंकि साइज क्या हुआ सबसे कम किसका हुआ Be2+ का, और साइज कम हुआ तो फिर एक्वस साइज किसका आयनिक साइज कम हुआ, लेकिन एक्वस साइज की बात करेंगे यानी हाइड्रेटेड साइज की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, आंसर क्या हो गया हमारा Be2+ यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें मैक्सिमम मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा हाइड्रेटेड की बात कर रहा है, किसमें एक्वा सॉल्यूशन में मैक्सिमम मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा Rb+। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये जो आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि किस किस को NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, किस में बात करेगा ये मोल्टन स्टेट की बात कर रहा है वो। अब जब मोल्टन स्टेट की बात की है तो अब मोल्टन स्टेट में ध्यान रखो मोल्टन स्टेट में क्या होगा ऑर्डर लगा लेते हैं, मान लो NaCl, KCl, RbCl, रुबिडियम क्लोराइड देन सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे मोल्टन की बात करें तो मोल्टन में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे जो साइज ऑफ कैटाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई साइज ऑफ कैटाइन डाउन द ग्रुप जा रही है तो साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई कंडक्टिविटी कम हो जाएगी इस केस में, किसमें मोल्टन के केस में, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा हम बात करते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा NaCl, KCl, RbCl है ना और सीजियम क्लोराइड इस तरह से, इन एक्वा सॉल्यूशन कंडक्टिविटी ऑर्डर सीजियम का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि साइज ऑफ हाइड्रेटेड की बात कर रहा है यानी कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड कैटाइन, यहाँ पर हाइड्रेटेड कैटाइन क्या हो रहा है हाइड्रेटेड कैटाइन वो क्या हो रहा है डिक्रीजेस हो रहा है। ऑलरेडी आपको बताया था कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड
साइज, यानी जितना कम साइज होगा मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, क्या मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेटेड साइज की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है क्या कि भाई एकदम बात करें कि कोई कह सकता है कि क्या कि मोल्टन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस की बात कर रहे हैं। तो ये एक्वस और मोल्टन होते क्या है, उनके बारे में भी आप समझ लीजिएगा। तो उनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक्वस स्टेट की बात करें, यानी कि हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, इधर एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट की बात करें या फिर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, तो क्या होता है, इट रेफर टू ए सॉल्यूशन, किससे रेफर करता है, सॉल्यूशन से, वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर द सॉल्वेंट इज वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन किससे रेफर होता है, सॉल्यूशन से, जहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। सो NaCl डिजॉल्व इन वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोल्टन स्टेट की बात करें, तो मोल्टन स्टेट, ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मोल्टन स्टेट। अब क्या हो, मोल्टन स्टेट क्या होती है, जब भी किसी एलिमेंट और कंपाउंड को, यानी व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड, ध्यान दीजिए, व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड, व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड, ध्यान दीजिए, इज मेल्टेड टू अचीव ए लिक्विड स्टेट, टू अचीव ए लिक्विड स्टेट, देन इट इज कॉल्ड क्या चीज, मोल्टन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, तो एक्वस स्टेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन की बात कर रहा है, तो यानी कि मोल्टन की बात कर, मेल्ट से बात करता हूँ, एक्वस में जब सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, मान लो कि एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, उसको भी हम समझा देते हैं आपको, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, मान लो हमने बात करें कि सिंपल सी अगर बात करें, साइज ऑफ कैटायन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, समराइज कर रहे हैं चीज़ों को, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हाई डिग्री, जो स्टार्टिंग बताया था, हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्मॉल साइज ऑफ कैटायन और एनायन, स्मॉल साइज जितना ज्यादा होगा इसका, हाई नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब तो क्या होगा, लो उस टाइम पे क्या होगा, लो आयनिक मोबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, लो आयनिक मोबिलिटी, यही दो चार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी आयनिक मोबिलिटी पूछेगा, कंडक्टिविटी पूछेगा, हाइड्रेटेड साइज पूछेगा, या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की बात कर सकता है, ठीक है, लो आयनिक मोबिलिटी की बात करेगा। अब जैसे हम बात करें, मान लो सपोज साइज ऑफ, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि साइज ऑफ कैटायन, स्टार्टिंग में सब बता दिया गया है, फिर भी एक बार समराइज कर रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, और जितना ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, लो क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी होगी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, अभी आपने देखा भी था Na+, ठीक है ना, Na+, Li+, इसको भी ले लेते हैं, Li+, Sodium+, K+, Rubidium+ और Cesium+। अब यार आयनिक साइज की हम बात करें, किसकी बात करें, आयनिक साइज की हम बात करें, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि यानी साइज ऑफ दीज आयन्स इन सिंपल गैसेस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आयनिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। बट यदि हम बात करें हाइड्रेटेड साइज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेटेड साइज की बात करें, किसकी बात करेंगे, हाइड्रेटेड साइज की बात करते हैं हम लोग, K+, Rubidium+,
रूबिडियम प्लस और सीजियम प्लस किसकी हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज या फिर साइज इन एक्वा सॉल्यूशन, तब क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी Ni प्लस का सबसे ज़्यादा क्योंकि स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज के कारण क्या होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं मान लो सपोज इसी में क्या बात करता है आयनिक मोबिलिटी की बात कर लेता है। मान लो यहाँ पे हमने किया कि आयनिक मोबिलिटी, ध्यान दीजिएगा आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ठीक है, आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है ऑफ एल्कली मेटल, ऑफ एल्कली मेटल की बात कर लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कंपटीशन में एल्कली मेटल, एल्कली मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन बोल भी दिया उसने इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए हमने बात की तो क्या हो जाएगा Li प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रूबीडियम प्लस और सीजियम प्लस, ये मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग यानी आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी बात कर सकता है कंडक्टिविटी भी बात कर सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लो आयनिक मोबिलिटी ठीक है, यानी साइज ऑफ कैटायन क्या होगा ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सॉरी साइज ऑफ कैटायन क्या होगा ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी कम होगी, और साइज ऑफ कैटायन क्या होगा कम होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेट है तो इसका क्या हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए आयनिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन अभी आपने क्वेश्चन किया था तो क्या हो जाएगा भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि आयनिक ध्यान दीजिएगा क्या कंडक्टिविटी और आयनिक मोबिलिटी दोनों एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज, तो हाइड्रेटेड साइज किसका ज़्यादा हो रहा है Li प्लस का, Li प्लस का हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा आयनिक मोबिलिटी उसकी कम होगी, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। For more updates, press the bell icon. Thank you.